हेलो बच्चों, अब कल हमने स्टार्ट किया एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सलिक एसिड। तो कल हम लोगों ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें टोटल कितने 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें फर्स्ट है एडिशन रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये ध्यान रखिए आप। एल्डिहाइड कीटोन दोनों के दोनों क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा उसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसकी पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आपने प्योर हाइड्रोजन साइनाइड लिया तो ये रिएक्शन होता है स्लो एंड रिवर्सिबल होगा, जैसे एच प्लस और सी एन माइनस बन गया। लेकिन अगर आपने बेस के प्रेजेंस में किया तो रिएक्शन फास्ट होगा और इरिवर्सिबल। तो अब देखो, हमने एग्जाम्पल लिया इसका, पहला पहला ले रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड को रिएक्ट किया हमने हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अभी देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पर रहता है नेगेटिव चार्ज, इस पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये साइनाइड जाके इस पर अटैच, कार्बोनिल कार्बन से अटैच और हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन से अटैच, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्रोटॉन एच प्लस है, प्रोटॉन, ये साइनाइड। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जिसका कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, अपना लिया। अब कीटोन लिया, ठीक है, कीटोन लिया तो वैसी है, ये माइनस ये प्लस, साइनाइड माइनस ये प्लस, साइनाइड कहाँ जाएगा कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, बन गया आपका कीटोन साइनोहाइड्रिन। सिर्फ जो भी रहेगा अल्डिहाइड रहा तो अल्डिहाइड लिखना, साइनोहाइड्रिन प्रीफिक्स में अल्डिहाइड। अब यहाँ कीटोन, कीटोन साइनोहाइड्रिन। अब जो भी एग्जाम्पल लेंगे, हमने लिया एसिटाइल्डिहाइड तो एसिटाइल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना, एसीटोन लिया तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ऐसे एग्जाम्पल कितने बना सकते, जनरल रिएक्शन को समझ लीजिए आप, ठीक है ना, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइट, फॉर्मूला है NaHSO3। तो अब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, तो अभी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, तो सोडियम पे प्लस, सल्फाइट पे माइनस। हाइड्रोजन तो अब फिक्स है, हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन के पास अटैच होगा, ठीक है। तो एक इसको ऊपर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन आपको अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ, फिक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा इसके ऊपर। अब बचा NaSO3, Na पे प्लस, SO3 पर है माइनस, तो यहाँ पे प्लस मतलब माइनस का पार्ट पहले अटैच हो रहा है इधर, तो ये जाके यहाँ पे अटैच होगा, देखेंगे अब क्या होगा। देखो SO3 एच एन ए और यहाँ पे एच, ये बन गया आपका अल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट। नहीं तो उसका दूसरा होगा अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट, दो नाम है। अब अल्डिहाइड आपने क्या लिया, एसिटाइल्डिहाइड, तो एसिटाइल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइट, एसिटाइल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट। अगर आपने यहाँ पे लिया कीटोन, देखो रिएक्शन सिमिलर यही बनाता हूँ, तब लिया आपने कीटोन, सब कुछ सेम प्रोसेस, सिर्फ आर को मैंने चेंज किया और यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड की जगह पे ऐड कर दिया कीटो। तो यहाँ पे हो जाएगा कीटोन सोडियम बाय सल्फाइट, यहाँ पे हो जाएगा कीट और हो जाएगा कीटोन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट, हो गया सिंपल। अब कीटोन आपने लिया एसीटोन, तो एसीटोन सोडियम बाय सल्फाइट, एसीटोन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट। अब लेते हैं नेक्स्ट एडिशन ऑफ ग्रीन अनियन, ये हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, कर फिर भी एक बार थोड़ा सा बताया क्योंकि थोड़ी रिएक्शन हार्ड है। तो अब हम यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन ऐसा लेंगे, मतलब एल्डिहाइड में फॉर्मल डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड लिया तो कीटोन, मतलब सॉरी अदर एल्डिहाइड लिया तो सेकंड अल्कोहल, अगर कीटोन लिया तो टर्शियरी अल्कोहल। अब देखते हैं, मैं यहाँ फॉर्मल डिहाइड ले रहा हूँ, अब मैं इसको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आर जाके यहाँ पे अटैच, MgX यहाँ पे अटैच, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, एडिशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, उसका हमने क्या कर दिया है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, मतलब एच प्लस, बराबर है। तो यहाँ पर देखो एच एच आ गया, बन गया ये प्राइमरी एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड उसमें आर ले लिया मैंने यहाँ, तो यहाँ पर आ गया आर, यहाँ पे आ गया R, तो देखो अभी यहाँ पे हो गया CHOH सेकेंड एल्कोहल। अब आप लेते हैं यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा R, ये बन जाएगा आपका टर्शरी एल्कोहल, खत्म। ये रिपीट है, एल्कोहल किसमें पढ़ लीजिए, पूरा बताया मैंने, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, तो एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इस पर भी चार रिएक्शन रहेगी आपकी, एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एडिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एडिशन ऑफ एसीटोन, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो उसमें पहले देखते हैं एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड को हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो इससे बनेगा आपका हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। फॉर्मल देख लीजिए CH2 टेकन 6 N4, फॉर्मल याद कर लेना इसका। और इसका मेडिसिनल नेम है यूरोट्रोपिन, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक में यूज़ की जाती है, ठीक है ना। उसके साथ इसका स्ट्रक्चर काम का है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं, कार्बन टू कार्बन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, ये दो पॉइंट याद रखना है। उसके बाद फिर इसमें टोटल 24 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें कार्बन टू नाइट्रोजन 12 सिग्मा बॉन्ड, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। टोटल 24 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन टू नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो है 12 सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, सॉरी यहाँ पे CH2 है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है इसमें, ठीक है ना। कार्बन टू कार्बन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और ये जो यूरोट्रोपिन है इसको लिख तो रहे हम लोग एडिशन प्रोड, लेकिन इट इज़ अ, देखो वाटर नहीं कर रहा, इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ये याद रखना है कि यूरो फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन इज नॉट एडिशन रिएक्शन, इट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब देखते हैं एडिशन ऑफ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया। तो अब देखो अमोनिया जब हम करेंगे तो H तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया और NH2 यहाँ पे हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होगा NH2, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका NH2 अटैच, वहाँ पे OH, ये बन गया एसीटल्डिहाइड अमोनिया, ये सॉलिड है। इसमें से वाटर निकालना है आपको, तो यहाँ से आपको क्या करना है OH और यहाँ से H ले लो, एक H, ये वाटर निकल गया। देखो CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं अल्ड इमीन, डबल बॉन्ड आता है तो इमीन आता है। इसको ट्राइमेराइज करना है, थ्री मॉलिक्यूल लेना है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक मॉलिक्यूल, यहाँ का बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ का बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा मॉलिक्यूल, यहाँ का बॉन्ड इधर आ गया, ये उनका साइक्लिक ट्राइमर, ये याद रखना आपको। उसके बाद फिर एडिशन ऑफ एसीटोन, तो दो स्टेप होगा, पहले हम क्या करेंगे इसका कंडेंसेशन। तो एसीटोन ये पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल CH3CH3CO CH3CO CH2, थ्री में से 2H यहाँ लिया था, H2 बाहर निकल दिया, वो निकल गया, ये बन गया आपका मेजिटल ऑक्साइड, जिसका IUPAC नेम है 4-methylpent, मतलब 1 2 3 4 5, 4-methylpent 3-in-2-O नाम है इसका। फिर उसका हम क्या करेंगे अमोनिया से ट्रीट करेंगे, तो अमोनिया में से देखो ये NH2 जाके इस कार्बन से अटैच, H जाके यहाँ पर अटैच, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन गया आपका डायसीटोन, जिसका IUPAC नेम है 4-amino, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 4-amino 4-methyl pentane 2-ol, ये डायसीटोन है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स लेने वाले हैं। तो ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब अमोनिया डेरिवेटिव आने वाला है। यहाँ पे आर लगा दिया तो प्राइमरी अमाइन, हाइड्रोक्सिल ओएच लगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन इसको फिनल हाइड्राजीन, इसको लगा तो सेमी कार्बाजाइड, इसको लगाया तो 2,4-dinitrophenylhydrazine बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड होगा या कीटन होगा, तो यहाँ पर हमने लिया अमोनिया डेरिवेटिव जेड, ये लगाने पे आप आ जाएगा जेड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें वाटर निकल गया, बन गया आपका ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, देखो अमोनिया डेरिवेटिव का प्रोडक्ट। तो अब आर लिया, मैं एक लिख के बताता, आर लिया हमने यहाँ पे, जेड की जगह मैंने क्या लिया आर, ये लिया आर, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लेते हैं, तो वाटर को निकाल दो इसमें से, आप H2O बाहर निकल गया, ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर आपने लिया प्राइमरी अमाइन, तो यहाँ बनता है शिप्स बेस, मतलब सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पे अल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे अल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन लेंगे तो कीटोन होगा, ऐसे आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर हम सब करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब ये एक ही रिएक्शन में सब कौन करना है, एक ही रिएक्शन, 6 के 6 रिएक्शन, सिर्फ जेड की जगह पे आर लगा दो प्राइमरी अमाइन, तो यहाँ पे बनाएगा शिफ्ट बेस, तो जो भी होगा अल्डिहाइड कीटोन। आपने OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना, तो हाइड्रोक्सिल में से क्या बनता है एल्डो ऑक्साइम या फिर कीटो ऑक्साइम। NH2 लगाए तो हाइड्राजोन बनेगा करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, या इसको लिया सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा, आपने लिया 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन से बनेगा 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन, हो गया। ये सब रिएक्शन एक ही में कवर करना है, करके देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट से बताइए फिर इसमें, ठीक है। तो ये कर लीजिए इसमें। ओके अब देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर आपने
एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल लेना है तो मोनोहाइड्रिक, कीटोन के साथ लेना है तो डाइहाइड्रिक, ठीक है ना, मतलब दो वेज होने चाहिए। तो एल्डिहाइड से बनता है एसिटल और कीटोन से बनता है कीटल। तो देखते हैं अभी दोनों के जनरल रिएक्शन। हमने एल्डिहाइड लिया, उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एच जाके यहाँ पर अटैच, तो ये ऑक्सी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, और ये जो ओ आर है ये जाके अटैच होगा कार्बन के साथ, देख लीजिए ओ आर कार्बन के साथ हो गया और एच ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया आपका हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल, हेमी एसिटल हाफ एसिटल, हेमी मतलब हाफ होता है, ठीक है। उसके बाद हेमी एसिटल को फिर हमने दूसरे मॉलिक्यूल के, मतलब कि जहाँ जो लेंगे मिथाइल तो मिथाइल, इथाइल तो इथाइल, जो भी है, तो उसके साथ रिएक्ट किया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी ये एल्कोक्सी जो ग्रुप है ये इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर, हाइड्रोक्सी इधर आ जाएगा, तो ओ एच प्लस एच वाटर बाहर निकल गया, दिख रहा है आपको, ये देखो, तो बन गया यहाँ पर एसिटल कम, ये हो गया हेमी, ये एसिटल, ये हेमी एसिटल है और ये एसिटल है, इसको जेमिनल डाइएल्कोक्सी एल्कोहल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा बनेगा इसमें। फिर हम लेते हैं कीटोन, कीटोन लिया तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेने का है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल लिया हमने यहाँ पर, तो इसमें से वाटर निकल दिया, यहाँ के दो एच और ये ऑक्सीजन वाटर बाहर निकल गया, ये बन गया आपका साइक्लिक कीटल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, एसीटोन लिया तो एसीटोन इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ऐसा नाम हो जाएगा, हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी रिडक्शन, ठीक है ना। तो रिडक्शन में पहले देखते हैं रिडक्शन टू एल्कोहल्स, ये हम लोग एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, इसमें इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा, नहीं तो पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं, तो आपको याद होगा उसमें हमने लिया है एल्डिहाइड कीटोन लिया था, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, उसमें लिया बाय कैटालिटिक हाइड्रोजन पहला, दूसरा लिया बाय यूजिंग सोडियम अम्बलगम एंड वाटर, तीसरा लिया बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद है, तो ये रिपीट है, ये आपको एल्कोहल में देख लीजिए आप, ठीक है ना। फिर सेकंड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, मतलब यहाँ पे डी ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन निकलेगा, या फिर इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। देखो अभी तो इसमें दो रिएक्शन है, दोनों के दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेशन में क्या होगा, देखो डी ऑक्सीजनेशन मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन इसमें अटैच कर देंगे, कितने, दो हाइड्रोजन, तो अब आपका क्या बन जाएगा, वाटर H2O, अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे, दो हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH2, मतलब हाइड्रोकार्बन, अल्केन, पैराफिन, जो बोलना है बोलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे नाम है। तो अब यहाँ पर अगर आप क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लिया तो मीथेन, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड लिया तो क्या बनेगा, इथेन, तो ऐसा आपको पूरे एग्जाम बनेंगे, तो एल्डिहाइड लिया तो पूरे बनेंगे। अगर आपने कीटोन लिया, कीटोन में आपने लिया यहाँ पर क्या, एसीटोन लिया, सपोज एसीटोन लिया तो प्रोपेन सबसे पहले बना, तो अगर आपने कीटोन से क्या नहीं बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा, इथेन नहीं बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड से सब बनेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल, तो ऐसा करने का इसको, इसके लिए जनरल दोनों का एक साथ लिखा है। और यहाँ पे जो लिया है जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेट एसिल, ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इन दोनों के रिएक्शन से ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ, ठीक है। तो कंप्लीट रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन बनता है, इनकम्प्लीट में एल्कोहल बन रहा था, देखो उसमें हम क्या बोल रहे, मतलब सॉरी रिडक्शन टू एल्कोहल, तो एल्कोहल फॉर्म हो रहा था, तो एल्डिहाइड से प्राइम एल्कोहल, कीटोन से सेकंड एल्कोहल, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। अब देखते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन, तो इसमें भी डी ऑक्सीजनेशन हुआ है, देखो ऑक्सीजन निकल गया, वाटर बाहर आ गया, इसको हमने क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें कंडेंसेशन हो गया, वाटर बाहर आ गया, बन गया यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन, उसको हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के वजह से किया, तो रिड्यूस होकर बन गया हाइड्रोकार्बन, पैराफिन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ से N2 गैस, ये दोनों N2 गैस इवॉल्व हो गया, और ये H2 जाके यहाँ पे अटैच हो गया, हो गया, ऐसे आपको करना है, नेम रिएक्शन है। तो इससे भी वही है, एल्डिहाइड लिया तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब हो जाएंगे, कीटोन लिया तो प्रोपेन से स्टार्ट होगा, क्योंकि तीन कार्बन का है ना कीटोन स्टार्ट है, CH3CO CH3 उसके लिए, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अब देखते हैं रिडक्शन में थर्ड पार्ट, रिडक्शन टू कीटोन बाय मैग्नीशियम मेटल, ठीक है ना। तो सॉरी रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय मैग्नीशियम मेटल, देखो अभी हमने यहाँ पे एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लिए, तो इसका एग्जांपल फिक्स रहे, ठीक है ना, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लिए, उसको मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट किया हम लोगों ने, यहाँ डाल देता हूँ प्लस, दोनों के तीनों बीच बन जाएगा, सॉलिड लिया बेंजीन, तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ बॉन्ड बनेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसका, डबल बॉन्ड है ना,
तो और एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बन गया बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये बन गया आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर इसका एसिड हाइड्रोलाइज किया, तो अब यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ पर ट्वाइस ओ एच यहाँ पर अटैच हो गया, और यहाँ पर एक एच यहाँ पर अटैच, एक एच यहाँ पर अटैच, तो बन गया आपका पेनेकॉल। पेनेकॉल मतलब है दो टर्शरी, ठीक है ना, दो टर्शरी एल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंटली, इसको बोलते हैं पेनेकॉल, ग्रीक में बोलते हैं। और इसका आई पी सी नेम हो गया 1, 2, 3, 4, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ये हो गया इसका आई पी सी नेम, ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन। अब देखेंगे आप कार्बो मतलब अल्डिहाइड जो होता है रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया एसिड अल्डिहाइड, तो इसमें जाके ऑक्सीनाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ऑक्सीजन किसमें ऐड हो गया, तो बन गया एसिटिक एसिड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अब इसमें देखें नंबर वन टू कार्बन है, यहाँ पर टू, तो नंबर ऑफ आइटम सेम, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमने कीटोन लिया, कीटोन रजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइजेबल, जैसे अभी अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन आइटम है, इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन आइटम नहीं है, इसलिए ये रजिस्ट कर रहा है। तो अब इसमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अभी यहाँ बनेगा सी एस थ्री सी ओ, यहाँ से दो ऑक्सीजन इसमें ऐड, ओ ओ सॉरी एक है तो एक ऑक्सीजन सी एस थ्री सी ओ ओ, और यहाँ से एच अटैच कर दो, ये बन गया आपका एसिडिक एसिड। अब बचा सी एच टू, तो सी एच टू देखो सी एच टू, तो उसमें दो ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो फॉर्मिक एसिड, इसमें दो कार्बन इसमें कार्बन, तो कार्बन आइटम इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी अल्डिहाइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कीटोन नाइदर एसिडिक नॉर मतलब नाइदर रिड्यूसिंग एजेंट नॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो अल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फेलिंग सोल्यूशन, इसके बाद लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, इससे क्या होगा वो ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमने लिया फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, इट इज़ अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स्ड विद क्यूप्रिक टार्ट्रेट, फिर उसका फॉर्मूला होता है सी यू टू प्लस प्लस फाइव ओ एच, ये फॉर्मूला याद रखना है फेलिंग सॉल्यूशन का। और उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी, दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा फेलिंग सॉल्यूशन, ये साइंटिस्ट का नाम है फेलिंग। और फेलिंग्स ए में क्या होता है एक्वियस कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट एंड वाटर, और फेलिंग बी में होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, देखो इसके नाम के अंदर ही नाम है, रोशेल भी नाम है, तो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं रोशेल सॉल्ट, मतलब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, हो गया अल्कलाइन, तो उसको रोशेल, दोनों को मिक्स करो बन गया फेलिंग सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन समझते हैं, हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, और उसको हमने किससे रिएक्ट किया फेलिंग सॉल्यूशन से, तो अब फेलिंग सॉल्यूशन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अल्डिहाइड है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर देगा किसमें क्यूप्रस ऑक्साइड में, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, अब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें एसिटेटाइड में, बाकी रिएक्शन बैलेंस करें वाटर, मतलब क्या होगा देखिए आपको बताया था मैं, अब ये रिड्यूस करेगा मतलब ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पर अटैच, तो सिक्स हाइड्रोजन हो गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन जाके इसमें अटैच, तो जाके हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो यहाँ बनेगा सी यू, और यहाँ से ऑक्सीजन में ऐड हो जाएगा सी यू टू, ये टू यहाँ जाएगा सी यू टू ओ, तो रेड प्रेसिपिट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखो सी एच थ्री सी ओ ओ बन गया कार्बोक्साइड, अब बचा यहाँ पर कितना सिक्स हाइड्रोजन और थ्री ऑक्सीजन, तो देखो थ्री सिक्स हाइड्रोजन और थ्री ऑक्सीजन, पहले हो गया इक्वेशन, तो मतलब अभी यहाँ पर ये अल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर रहा है और फेलिंग्स इसको क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज। और एक पॉइंट याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन में एक्टिव स्पीसीज क्या होता है क्यूप्रिकाइन सी यू टू प्लस, ये इसका ये, और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्लस टू चार्ज है, इसका ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू है, प्लस टू से कितना हो रहा है यहाँ पे प्लस वन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रहा है प्लस टू से प्लस वन। अब फेलिंग सॉल्यूशन किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कीटोन्स को नहीं करेगा और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, बस नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट, तो व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स कर दो, बन गया टॉलेंस रिएजेंट।
अब रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हमने एल्डिहाइड लिया, उसको टॉलेन सीरीज से रिएक्ट किया, तो अभी ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस करेगा, मतलब ये जाकर एच जाकर यहाँ पर अटैच, चार हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो अभी जैसे इसको रिड्यूस कर दिया सिल्वर मिरर में, तो जो सिल्वर होता है वो टेस्ट ट्यूब के इनर ट्यूब्स में डिपॉजिट हो जाता है, तो सिल्वर जैसे देखता है, इसलिए इसका एक और नाम हो गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन जाके इसमें अटैच, तो हो गया CH3COO-, ये बन गया एसीटेट आयन। अब बैलेंस कर रहे हैं, अमोनिया 2-2 = 4 हो गया, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और एक दो ऑक्सीजन बचा, 2 वाटर हो गया। अब ये टॉलेजेंट किसको रिड्यूस नहीं करता है, कीटोन्स को नहीं करेगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स को नहीं करेगा, ईथर्स को नहीं करेगा, एल्कोहल्स को नहीं करेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज शिफ्ट रिएजेंट, इसकी तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो क्या होता है, व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय पासिंग सल्फेट ऑक्साइड गैस थ्रू मैजेंटा कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो जैसे हम पास करते हैं किसमें, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से मैजेंटा कलर, तो वो कलरलेस हो जाता है, और जैसे एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं फिर से वो कलर रिएक्ट फिर हो जाता है। देखो अभी इसकी रिएक्शन तो नहीं है, वर्ड्स पे लिख रहे हैं, एल्डिहाइड को रिएक्ट किया शिफ्ट रिएजेंट, तो आपको मिलेगा मैजेंटा कलर, उसको कभी कभी पिंक भी लिख देते हैं वो लोग, ठीक है ना। अब कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं फोर्थ केमिकल रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे यार रखना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग ये ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होगा वही शो करेगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे CH3CO ग्रुप लिया, दिख रहा है आपको, तो अभी यहाँ से ब्रेक होता है बॉन्ड, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से दो एच निकल जाएंगे, दो एच निकल के यहाँ पर अटैच, तो हो गया NaOH, वहाँ निकल देखो NaOH ट्वाइस, और यहाँ पर दो हेलोजन इधर आ जाएंगे और एक यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, तो जाएगा आपका 3 हेलोजन, तो CHX3 हेलो फॉर्म, और बाकी बचा अभी यहाँ पे RCOONa अटैच हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो ये है आपका सोडियम हाइपोलाइट, मतलब इन दोनों की रिएक्शन, मतलब ये अनस्टेबल है, इसको आप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखो NaOH+X2 रिएक्ट किया, तो यहाँ बनेगा आपका क्या NaOX बन गया, और यहाँ पे HX बाहर आ गया आपका, तो देख लीजिए सिचू रिएक्शन से बना रहे हैं इसको, हमें सिचू रिएक्शन है, ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब हेलोजन क्या लेते हैं, अब यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लिया तो आयोडोफॉर्म, लेकिन सबसे बेस्ट होता है आयोडोफॉर्म जिसका येलो प्रेसिपिट रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर क्या ले सकते हैं, जो आर दिख रहा है ये ले सकते हैं आप, एच मतलब आर एच ले सकते हैं, अल्काइल ले सकते हैं, आर आई ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब जैसे दो एग्जाम्पल दिए मैंने, एसिटाल्डिहाइड लिया, तो एसिटाल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप है शो करेगा, एसिटोन में CH3CO ग्रुप है शो करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ नहीं, वैसी पैटर्न है, तो अब यहाँ पर आयोडीन इधर हो जाएंगे, तो बनेगा CH3 मेन है, बाकी बाय प्रोडक्ट बना लीजिए उसके हिसाब से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान सुन लीजिए, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड शो करेगा, मेरी ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, बाकी कोई भी एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, क्योंकि सब में CH3CO ग्रुप नहीं होता। अब कीटोन्स में शो करेगा सिर्फ CH3CO, और यहाँ पे कितना लॉन्ग चेन हो सकती है, तो ये मतलब 2 ओन्स, लास्ट में 2 ओन आए तो शो करेगा, या फिर मिथाइल कीटोन लिखा होगा कॉमन नेम में, 2 ओन्स, ऑल 2 ओन्स, मतलब ब्यूटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, या 2 मिथाइल, मतलब सॉरी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो 2 ओन आए ना IUPAC नेम में तो शो करेगा, मिथाइल कीटोन वर्ड है कॉमन में शो करेगा, और तो कीटोन में 2 ओन चाहिए या फिर मिथाइल कीटोन, और एल्डिहाइड में सिर्फ एसिड है, बाकी कोई एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे ALD का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइडिक एंड हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप, दोनों फंक्शन ग्रुप एक ही कंपाउंड में होगा, उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोएटम, अब अल्फा हाइड्रोएटम किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन अल्फा होता है और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा। कीटोन देखो अभी ये कीटोन ग्रुप है, इससे कीटोन ग्रुप से देखो CO ग्रुप से फर्स्ट कार्बन अल्फा, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा,
अब ये पहले आना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन या फिर एल्डिहाइड वही शो करेगा, जिसके असली नहीं वो शो नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जो 10% भी लिख सकते हैं या डाइल्यूट बेस, तो उसमें NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है ना। उसका हीट किया तो अब देखो ये अल्फा हाइड्रेट है कि यहाँ पर अटैच दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कम से कम दो मॉलिक्यूल चाहिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रेट होना चाहिए। तो देखो अल्फा हाइड्रेट यहाँ पर अटैक और ये अल्फा कार्बन यहाँ पर अटैक, तो बन गया आपका ये बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। तो इसको हम एल्डोल में हमने एसिटल्डिहाइड लिया तो उसे एसिटल्डोल, इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। तो इसका इसका नाम हो जाएगा देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ये क्या है, ब्यूट्रल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3-hydroxybutene बनल। अब उसको हमने डाइल्यूट ऐसे हीट किया तो वाटर निकल जाएगा, वाटर मतलब कैसा होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर निकल गया तो दोनों की जाएगा डबल बॉन्ड। देखो इसको बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, कॉमन नेम IUPAC नेम ब्यूट 2-in-1-al। देखो नंबरीकरण 1, 2, 3, 4 तो हो जाएगा आपका चार कार्बन, ब्यूट 2 पर इन है तो ब्यूट 2-in-1-al। और इसी देखो इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोल सकते हैं उसको, ठीक है ऐसा करना है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल कीटोन का, कीटोन लिया एसीटोन, इसमें अल्फा हाइड्रेटम है तो अभी अल्फा हाइड्रेटम यहाँ पे अटैक करेगा और अल्फा कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बनगा आपका एसीटोन लिया उसने एसीटोल बोल रहा हूँ उसको। और उसको दूसरा नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा भी मिथाइल, बीटा मिथाइल, फिर ये हो जाएगा आपका क्या, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब इसका IUPAC नेम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 4 पे हाइड्रोक्सी तो 4-hydroxy-4-methyl टूटेगा 5 तो पेंटेन 2-ओन, ठीक ली कर लीजिए अब इसको नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखना है। क्रॉस में क्या होता है कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन्स या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रेटम, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो इथेनल और प्रोपेनल, तो टू डिफरेंट एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रेटम, एक लिया इथेनल और एक प्रोपेनल लिया हुआ। तो करने का तरीका देख लीजिए, पहले बता चुका हूँ कैसे करना, आपने इसे लिया इथेनल, लिया CH3 C डबल बॉन्ड सामने रखो ऐसा, और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन सामने रखो और ये अल्फा हाइड्रेटम यहाँ रखने का, ठीक है ना। और उसका जो भी होगा अभी यहाँ पर CH3 ऊपर जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसका ये CH3 ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाएगा CHO, एक बताए तो बाकी सबको ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ का देखो ये अल्फा कार्बन इससे अटैच, यहाँ पे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया और ये H जाके यहाँ पे अटैच, ये बन गया OH। तो सभी के साथ ऐसा होगा, देखो यहाँ का जो है ना अल्फा का अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है ना, और ये कार्बन बॉन्ड यहाँ देखो यहाँ बता दे रहा हूँ ये यहाँ पे बना है इसका। तो इसमें दो प्रोपेनल लिया, इसमें दो इथेनल लिया, इथेनल लिया मतलब यहाँ पे बन रहा है, तो इसको जगह नहीं करके ऊपर लिखा है इसको, ठीक है ना, यहाँ बना है आपको बॉन्ड देखो, ठीक है। इसमें इसमें देखो यहाँ बन रहा है बॉन्ड, ये देखो इसमें यहाँ बन रहा है बॉन्ड, तो इसमें दो इथेनल दो प्रोपेनल, तो इसके लिए सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन रहा है इसको, दो इसके बन गए। फिर अब यहाँ पर एक इथेनल लेना एक प्रोपेनल, फिर यहाँ पर एक प्रोपेनल एक इथेनल, तो ये क्रॉस में आ जाते हैं, तो टोटल चार प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। और अभी जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये कार्बनायन के थ्रू प्रोसेस होती है, ये मैकेनिज्म करने की जरूरत है वो याद रखिए। और उसमें इंटरमीडिएट पूछा क्या बनता है तो एल्कोऑक्सीडाइन बनता है, देख लीजिए अब मैकेनिज्म थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें जो अल्फा हाइड्रेटम होता है वो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो कार्बन ग्रुप रहता है, जो CO ग्रुप रहेगा ना यहाँ पर, CO ग्रुप जो रहेगा यहाँ का, तो देख रहे आपको CO ग्रुप, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है उसके कारण। और दूसरा जो इसमें जो कार्बन होता है उसका क्या होता है, रेजोनेंस एस्टेब्लिशन होता है, बीटा नहीं होगा एसिडिक, गामा नहीं होगा, ठीक है ना, डेल्टा नहीं होगा, आगे का नहीं होंगे क्योंकि उसमें स्टेब्लिशन होता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए अब देखते हैं कैनेजारो रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी कैनेजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रेटम, एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रेटम नहीं है वो शो करेगा कैनेजारो रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जिस एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रेटम है वो शो करेगा।
मतलब जो एल्डिहाइड्स के कंपाउंड शो नहीं करेंगे वो कैनोजो करेगा, जो कैनोजो शो नहीं करेगा वो एल्डिहाइड करेगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो अभी देखो यहाँ से क्या होगा आपको, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा, इसलिए इसको डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब ये जो एच है ये जाके यहाँ पे अटैच, ठीक है, अब यहाँ से एच इधर अटैच, यहाँ से प्रोटॉन आएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, यहाँ से प्रोटॉन आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है, और ये एन ए ओ जाके यहाँ पे अटैच, तो आप देखो क्या बना, एच सी ओ ओ एन ए, ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट, और ये एच जाके यहाँ पे अटैच, हाइड्राइड आयन जा रहा है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, हाइड्राइड आयन जा रहा है यहाँ पे अटैच, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एच 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 सी एच थ्री ओ एच बन गया मिथाइल अल्कोहल, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है और ये रिडक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाओ तो आपने दूसरा लिया, समझ लिया कि आपने यहाँ पे लिया बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड भी अल्फा हाइड्राइड बनती है, ये भी शो करेगा। तो देखो हमने यहाँ पे लिया सी सिक्स एच फाइव, देख लीजिए अब, तो यहाँ बनेगा आपका सी सिक्स एच फाइव सोडियम बेंजोएट, और यहाँ बन जाएगा आपका सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एच बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है ना। इस टाइप से आपको करना है। अब इसमें क्रॉस केलिजर रिएक्शन है, क्रॉस केलिजर में क्या लेते हैं, टू डिफरेंट एल्डिहाइड जिसके पास अल्फाइड एटम नहीं है, जैसे मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पे लिया हमने बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दोनों का नहीं है। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस होगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव दैन बेंजल्डिहाइड। तो अगर ऑर्डर देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव दैन अदर एल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड, फिर बाद में आएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ऐसा आप याद रखिए ऑर्डर। तो ये अभी हाइड्रोजन जाके इसमें अटैच, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, यहाँ प्रोटॉन अटैच, यहाँ पे हाइड्राइड आयन, यहाँ भी लिख देता हूँ हाइड्राइड आयन, ठीक है ना। तो ये NaO जाके यहाँ पे अटैच, तो ये बन गया HCOONa सोडियम फॉर्मेट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, ये एच जाके इसमें अटैच तो C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब इसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, तो कभी कभी इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शन, नया नाम याद रख लीजिए, इसको डिसप्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसमें कौन से कंपाउंड, कौन से एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्राइड नहीं है, आपने बोला कि एसिटल्डिहाइड उसके पास अल्फा है वो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब एल्डोल में उल्टा कर दो, बेंजल्डिहाइड शो करेगा क्या, नहीं करेगा, फॉर्मल्डिहाइड शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्राइड नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आप इसको कर लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये हो गया आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सिर्फ आपके सिलेबस में नाइट्रेशन है सिर्फ। तो अब देखो हमने यहाँ पे देखना है कि बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन जो होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये नाइट्रोनियम आयन है, तो नाइट्रोनियम आयन मेटा पोजिशन एच को रिप्लेस करेगा, ये एच को रिप्लेस करेगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, तो हो गया आपका मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और यहाँ का एच और यहाँ का ओएच कंबाइन होकर वाटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ भी नाइट्रोनियम आयन देखो, तो नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, मेटा पोजीशन के एच को रिप्लेस करेगा और एसिटोफिनोन फॉर्म करेगा, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर के इन्फॉर्मेशन पहले दे चुके हैं पूरा, ठीक है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए।